तो बेसिकली इस चैप्टर में सबसे पहला जो सवाल तुम्हें करना है वो है मीनिंग ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, तो लर्न करने के पहले रीडिंग जब तुम करोगे तो बेसिक आइडिया तुम्हें हो जाएगा, ठीक है, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मीनिंग क्या है। लर्न करते करते हुए भी हो जाता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली किताब उठानी है। टेक्स्ट बुक मैं इसीलिए प्रीफर कर रहा हूँ, TPS वगैरह कैसा रेफरेंस के लिए तुम चाहो तो रख सकते हो, बट मैं ये प्रीफर करूँगा कि तुम जो ओरिजिनल टेक्स्ट बुक है ना बोर्ड्स के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड, उसको रिफ़र करो फॉर लर्निंग पर्पस, ठीक है, एंड फॉर रीडिंग पर्पस एज वेल, क्योंकि कुछ भी है जो भी है इसी में से आएगा और इसी के वर्ड्स एक्चुअल में ज़्यादा पसंद किए जाएंगे अगर तुम थ्योरी पेपर में लिखते हो तो। ठीक, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल जो तुम्हें लिखना है दैट विल बी मीनिंग एंड डेफिनेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग पूछ सकता है या फिर पूछ सकता है कि डिफाइन इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डिफाइन IoT टेक्नोलॉजी, या फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय IoT टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसे तुम्हें नोट्स का पहला सवाल लिखना है, उसका जो आंसर तुम लिखोगे उसे दो पॉइंट्स में लिखना है तुम्हें। मैंने मार्क किया हुआ है वैसे ऑलरेडी यहाँ पर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पहला पॉइंट होगा एंड देन उसके बाद सेकंड पॉइंट ये चीज़ होगी। ठीक है, ये ठीक, तो इन दोनों पॉइंट्स को लिखते लिखते ही तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि किन चीज़ों के बारे में बातचीत की जा रही है। हाँ, जो भी मैं ब्लू पेन से मार्क कर रहा हूँ वो चीज़ें तुम्हें पढ़ने की है। पढ़ने का ये मतलब होता है कि ऑब्जेक्टिव सवाल जब तुमसे पूछे जाए इस सेक्शन में से तो तुमसे बनना चाहिए। ठीक, जैसे ये वाली जो चीज़ है इसको रीड करना, अच्छे से रीड करना समझना, उसमें हो सकता है कि तुम कुछ अपने लिए कुछ सेल्फ नोट्स वगैरह बनाओ कुछ समझने के लिए। वैसे तो इसमें कुछ ऐसा नोट्स बनाने लायक बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जैसे सिंपली अगर तुमसे इस बारे में कोई ऑब्जेक्टिव पूछ लिया कि कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए लेट से तुम्हारे घर में कोई, वो जैसे वो इको डॉट वगैरह नहीं आते क्या अमेज़न वगैरह के, वो सारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप का ही है। जैसे अगर कोई स्मार्ट वैक्यूम क्लीनर वगैरह है, ठीक, तो उसमें एक AI वाला जो टेक है कि भाई वो कैसा रूम की मैपिंग वगैरह कर लेते हैं वो लोग। मतलब आजकल कुछ ऐसी चीज़ें आने लगी हैं, जैसे अगर मान लेते हैं तुम्हें कोई फॉर एग्जांपल सर्टन एक सॉन्ग वगैरह सुनना है तो तुम जैसे वॉइस कमांड उसको देते हो तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ प्रोग्राम फिट है, एम्बेडेड है, तो वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कैसा एग्जांपल हो गया। तो उसमें जैसे तुमसे सादे सिंपल ऑब्जेक्टिव सवाल अगर पूछ लिए जाए कि भाई ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें पूछते हैं वो, मतलब ऐसा कुछ हैवी भारी भरकम कुछ नहीं। लेकिन हाँ, अगर किसी ने चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं है, बुक ओपन की ही नहीं है, तो उसको वो चीज़ें नहीं बनी। खैर, जिस इंसान ने इतना काम किया है ना कि ये वर्ड टू वर्ड लर्निंग की है ये पॉइंट वाइज, और उसके बाद इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ा है, लेट से अगर सेल्फ नोट्स वगैरह कुछ अगर बनाए हैं तो तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो, ध्यान रखो। ठीक, इन चीज़ों में ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, बस ये चीज़ें सही वक्त पर प्रिपरेशन मांगती हैं। अगर कोई इसको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ओपन करेगा तब उसको बस ये एहसास होगा कि यार बहुत लेट शुरू किया, ये चीज़ें तो एक एक दिन की ही थी। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन नंबर तुम डालोगे 1 और उसमें लिखोगे डिफाइन इंटरनेट ऑफ थिंग्स और उसके बाद डेफिनेशन में ये दोनों पॉइंट्स। ठीक, इसमें मिस्टेक करने का कहीं कोई स्कोप नहीं है, इसे सिर्फ पढ़ना अच्छे से, ठीक है, अच्छे से रीड करना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एडवांटेजेस ऑफ IoT, उसमें पांचों पॉइंट्स है ना एकदम तुम्हें रट्टा होने चाहिए एडवांटेजेस का। एडवांटेजेस ऑफ, सेकंड क्वेश्चन तुम डालोगे नोट्स में, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ IoT टेक्नोलॉजी, और उसमें ये पांचों के पांचों पॉइंट्स मार्क किए हुए हैं यहाँ तक। ठीक, कहाँ गया, हाँ सॉरी एक मिनट, सॉरी, पांचों के पांचों पॉइंट्स अच्छे से मार्क किए हुए हैं, कहीं अगेन कन्फ्यूजन का कोई स्कोप नहीं है कि ये चीज़ सर लिखनी है कि नहीं लिखनी है, ठीक है, ये लिखना है या नहीं लिखना है, कन्फ्यूजन का कहीं कोई स्कोप नहीं है। मार्किंग तो की ही जा रही है, साथ में उसके सपोर्ट में एक मैं वीडियो भी बना दे रहा हूँ सो दैट उसमें कन्फ्यूजन का कोई स्कोप ना रहे कि तुम्हें क्या चीज़ें नोट्स में लिखनी है एंड हेंस उसे रटना है और क्या चीज़ें स्किप करनी है, किन चीज़ों को रीड करना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद सिमिलरली डिसएडवांटेजेस का तुम्हारे पास तीसरा क्वेश्चन होगा, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ IoT टेक, और उसमें तुम्हें दो पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक, अगेन कोई इंटेलिजेंस इन्वॉल्व कोई काम नहीं है ये। ठीक, बस ये ध्यान में रखना कि जब तुम चीज़ों को लिखो तो वो पहला स्टेप रहता है टुवर्ड्स लर्निंग, जब तुम चीज़ों को लिखते हो तो उसमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तुमको। ठीक, हमेशा इफ़ पॉसिबल, ठीक है, ज़्यादा स्पीडी तरीका तो ये है कि बिना लिखे ही चीज़ों को याद किया जाए अगर वक्त कम रहता है तो, लेकिन मैं ऐसा फिर भी तुम्हें एडवाइस करूँगा कि दो ही चैप्टर्स हैं तुम्हारे थ्योरी वाले, दो या शायद तीन हैं, तो उसमें तुम्हें नोट्स बनाकर फिर प्रॉपर लर्निंग करनी चाहिए। उससे हो सकता है एक या दो दिन ज़्यादा लगे लेकिन चीज़ें बहुत अच्छे से समझकर लर्न होती है और ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती हैं। ठीक, तो नोट्स बनाकर लर्न करना।
डिसएडवांटेजेस के दो पॉइंट्स हो जाते हैं तुम्हारे पास, बस आगे बढ़ो। एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी, ये वर्ड टू वर्ड ऐसा ही सवाल आने वाला है तुम्हारे सामने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी टेक, तो उसमें 5 एप्लीकेशंस है तुम्हारे पास, वर्ड टू वर्ड छाप देना है, ये स्मार्ट लाइटिंग में, थर्मोस्टैट्स में, स्मार्ट लॉक्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड छाप देना है, ठीक है। ये पूरा पाँचों पॉइंट्स, ठीक। तुम इसमें देखना जहाँ भी ये पाँच पॉइंट्स वाली चीज़ें जहाँ भी तुमको मिलती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, ठीक। वो 5 पॉइंट्स में ही स्पेसिफिकली उस चीज़ को लिख कर देते हैं कि भाई 5 नंबर के लिए लेट्स से अगर कोई सवाल वगैरह आता है तो उसमें 5 पॉइंट्स वाले जो सवाल रहते हैं वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए वो सूटेड रहते हैं, ठीक। तो जैसे इसमें एप्लीकेशंस ऑफ आईओटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक। खैर आगे देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग की तुमसे डेफिनेशन पूछेंगे। ये चीज़ तो ऐसी है कि तुम्हारा इससे सामना, जैसे ही तुम इंडस्ट्री में कदम रखोगे तुम्हारा इस चीज़ से सामना ना हो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक। अभी जो अमेज़न की वो AWS सर्विसेज वगैरह जो आती हैं बहुत ही अच्छी, इनफैक्ट सॉरी माइक्रोसॉफ्ट की है ना, तो माइक्रोसॉफ्ट का रिवाइवल ही एक्चुअल में इसी चीज़ की वजह से हुआ। माइक्रोसॉफ्ट में जब सत्या नडेला आए हैं तो उन्होंने एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग वाली चीज़ को बहुत ही अच्छे से कमर्शलाइज़ किया, बहुत ही अच्छे से। इसी के लिए उनको CEO भी बनाया गया, जैसे जो अपने पचाई हैं सुंदर पिचाई, तो सरनेम आई थिंक पिचाई ऐसा प्रोनाउंस करते हैं ना, खैर जो भी, तो उनका एक्चुअल में प्रमोशन या फिर मैं कहूँ टूवर्ड्स जो CEO का, जो गूगल का CEO उनको जैसे लेट से बनाया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर यह था कि क्रोम के पीछे, डेवलपमेंट के पीछे उनका बहुत बड़ा हाथ था, ठीक। तो उसी प्रकार जो माइक्रोसॉफ्ट का रिवाइवल हुआ है, एक तरह से रिबूट हुआ है, वो सत्या नडेला की वजह से हुआ है, और उन्होंने एक्चुअल में क्लाउड कंप्यूटिंग जो उसकी अजियोर वाली जो सर्विसेज हैं उसको एक्चुअल में बहुत अच्छे से कमर्शलाइज़ किया, और वो अभी रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा देता है माइक्रोसॉफ्ट को, ठीक है। खैर अमेज़न की भी है AWS करके, है ना, खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, किस तरह से नेटवर्क शेयरिंग होती है, एनीवेज तो उसमें खुद से अपनी वर्ड्स में डेफिनेशन वगैरह लिखने की कोशिश तुम्हें नहीं करनी है, ये एकदम कीमती गोल्डन वर्ड्स हैं, ठीक है। वर्ड टू वर्ड छाप दोगे, डिफाइन क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर व्हाट डू यू मीन बाय क्लाउड कंप्यूटिंग या फिर एक्सप्लेन क्लाउड कंप्यूटिंग इन डिटेल डायग्राम के साथ, ठीक है। ये तुम्हारा 5वां सवाल हो जाता है, इसके बाद हम रुकेंगे, ठीक है। मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, उसमें हम लोग, वो भी एक बहुत अच्छा एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन उससे बनता है, 3 तरह की रहती है ना, तो उन तीनों तरह के बारे में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे। नेक्स्ट वाले वीडियो में बेसिकली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। लर्निंग का काम है पूरा तुम्हारा है, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ें लर्न करनी है वो बस मैंने एक तरह से बताया है तुम्हें, बट काम थोड़ा जल्दी करोगे, टाइम लिमिट्स वगैरह तुम्हें मैं बता दूंगा कैसी और कब तक तुम्हें काम का सबमिशन करना है, ठीक है। खैर तो इसमें 5वां सवाल जो तुम्हें लिखना है वो ये यहाँ से यहाँ तक मार्क किया हुआ है ऑलरेडी विथ डायग्राम, अलॉन्ग विद द डायग्राम, ठीक है। अच्छा तो अभी इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग ओवर करते हैं, ओके।